दोस्तों, अगर आपको आज की डेट में एक नया स्मार्टफोन बाय करना हो तो डेफिनेटली आप यही चाहते होंगे कि बेस्ट से बेस्ट फीचर्स वाला, बेस्ट से बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन बाय करें। लेकिन मार्केट में जब आप जाते हैं तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं हर प्राइस रेंज के अंदर कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किसे बाय करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 ऐसी टिप्स या की पॉइंट्स आप कह सकते हैं जो आपको लाजमी कंसीडर करने हैं अगर आप 2018 में एक अच्छा सा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं, चाहे किसी भी प्राइस रेंज से वो स्मार्टफोन हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों, पहला की पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है अगर आप नई डिवाइस को बाय करने जाते हैं वो है डिवाइस की रैम और स्टोरेज कितनी होनी चाहिए आज की डेट में, जो आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि यार परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपके पास स्टोरेज स्पेस अवेलेबल हो अपना डेटा स्टोर करने के लिए। आज की डेट में अगर आपने स्मार्टफोन बाय करना है तो आपके पास 3 GB रैम और एटलीस्ट 32 GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन होना चाहिए। पहले रैम की यहाँ पर फंक्शनैलिटी आपको बताता हूँ। जो रैम है डिवाइस के अंदर ये मल्टीटास्किंग को हैंडल करती है। आप एक के बाद एक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हैवी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो ये सारी जो एप्लीकेशन के टास्क वगैरह हैं, आप स्विचिंग बिटवीन एप्स करते हैं, तो ये सब कुछ हैंडल कर रही होती है आपके डिवाइस की रैम। अगर 2 GB रैम वाली डिवाइस होगी तो उसमें से सिस्टम रिजर्व होने के बाद आपके पास होगी तकरीबन 800-900 MB के पास रैम होगी, जिसमें से आप क्या उसको मल्टीटास्किंग करेंगे। अगर मल्टीटास्किंग करेंगे तो वो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को किल करती जाएगी बिकॉज रैम के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो आज की डेट में अगर आप 3 GB रैम वाली डिवाइस को बाय करते हैं तो आप मल्टीटास्किंग अचीव कर पाएंगे। आपकी डिवाइस की जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ एंड फ्लूइड किस्म का देखने को मिलेगा और बैकग्राउंड के अंदर जो एप्लीकेशन है उनके किल होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो आपको हैवी एप्लीकेशन भी अगर रन करनी है तो एटलीस्ट 3 GB। अगर आप 2 GB रैम वाली डिवाइस को बाय करेंगे तो आप हैवी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो आपको डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर लैग देखने को मिलेगा। तो अगर स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हैं स्मार्टफोन की तो एटलीस्ट 3 GB रैम का इंतखाब करें। उसके बाद अगर यहां पे स्टोरेज की बात करते हैं तो एटलीस्ट 32 GB स्टोरेज आपके डिवाइस की लाजमी होनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों, ये देखिए जो मेमोरी के जितने भी नंबर हैं 16, 32, 64 या जो भी हैं, इसमें से जो आपके स्मार्टफोन का OS है वो मेमोरी को रिजर्व करेगा, यानी मेमोरी को यूज़ करेगा। उसके बाद कंपनीज आपको प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर काफ़ी इंस्टॉल करके भेजती हैं। तो आज आके अगर 32 GB वाली डिवाइस है उसमें से आपको 25 GB स्पेस अवेलेबल मिलेगी जो फ्री अप स्पेस होगी, जिसे आप अपने पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल कर सकेंगे, अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सकेंगे, तो एटलीस्ट इतनी स्पेस तो होगी ना। अगर आप 16 GB वाली डिवाइस के साथ जाते हैं तो 16 GB में से आपको मिली 8-9 GB के राउंड अबाउट, जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करेंगे और जैसे जैसे ये जो स्टोरेज है या फिल अप करेंगे, डिवाइस रन आउट ऑफ स्टोरेज होगी तो आपको परफॉर्मेंस के अंदर ये चीज स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को काफी इफेक्ट करेगी, आपको परफॉर्मेंस में लैग देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है यार अच्छी मल्टीटास्किंग हो, रीजनेबल स्टोरेज अवेलेबल हो आपको डेटा स्टोर करने के लिए, तो आज की डेट में आपको 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाली डिवाइस को बाय करना चाहिए। बाकी 16 GB से भी काम चल सकता है लेकिन 2 GB रैम से आज की डेट में काम नहीं चल सकता, बिकॉज कुछ हैवी एप्लीकेशंस को काम में लेना हो तो आपको परफॉर्मेंस लैग देखने को मिलेगा। और अगर आप 4 GB रैम वाली डिवाइस को अफोर्ड कर सकते हैं तो ये और ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर एटलीस्ट की बात करें तो आपको एटलीस्ट 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाली डिवाइस को बाय करना चाहिए, बिकॉज 2 GB रैम और 16 GB जो स्टोरेज है ये अब चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये अब जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अब आउटडेटेड हो चुकी है। दोस्तों, दूसरा की पॉइंट जो आपको एक नया स्मार्टफोन बाय करते वक्त माइंड में जरूर रखना है वो है डिवाइस के कैमरास। अब कैमरास तो हर यूजर यही चाहता है कि यार स्मार्टफोन ऐसा बाय करें जिसके अंदर एक बहुत ही कमाल के कैमरास लगे हों, जिसमें फोटोग्राफी अच्छी है, वीडियोग्राफी अच्छी है, सेल्फीज वगैरह काफी अच्छी और कमाल की निकल के आए। और आजकल वैसे भी जो कंपनीज हैं वो अपने कैमराज को बहुत हाईलाइट करती हैं, कैमराज किसी भी स्मार्टफोन का मेन सेलिंग पॉइंट यहाँ पे आपको नजर में आता है। तो पहले सिंगल कैमरा सेटअप थे अगर पीछे चले जाए 2016 में, उसके बाद यहाँ पे 2017 में डुअल कैमरा सेटअप आए, अब ट्रिपल कैमरा सेटअप भी आपको देखने को मिलते हैं और जो 4 कैमरा सेटअप जो हैं उनमें आपकी लीक्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी इनोवेशंस देखने को मिल रही हैं आजकल कैमराज में स्मार्टफोन के। तो आपको क्या करना है आज की डेट में, तो आज की डेट में अगर आपको एक स्मार्टफोन बाय करना है तो उसकी बैक साइड के ऊपर एटलीस्ट डुअल कैमरा सेटअप लाजमी होना चाहिए, बिकॉज डुअल कैमरा सेटअप में एक छोटा सेंसर है जो सेकेंडरी सेंसर है, 2 MP के राउंड अबाउट आता है,
या तो ये एक टेलीफोटो लेंस होगा या एक डेप्थ सेंसर लेंस होगा, तो ये कहीं ना कहीं पे हेल्प कर रहा होता है अच्छी फोटोग्राफी में। अगर ये एक डेप्थ सेंसर है तो आपको बोके इफेक्ट यानी ब्लर इफेक्ट आपको DSLR के लेवल के देखने को मिलते हैं, जो फोटोज को एक बहुत कमाल के लुक प्रोवाइड करते हैं। और अगर फ्रंट सेल्फी शूटर की बात करें तो एटलीस्ट 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, अगर आप पाकिस्तान में 20 से 22 हज़ार रुपए की रेंज में स्मार्टफोन बाय करते हैं तो 13 मेगापिक्सल एटलीस्ट उसका होना चाहिए मेगापिक्सल काउंट। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैमरे का अपर्चर। अब अपर्चर दोस्तों काफी डिपेंड करता है लो लाइट फोटोग्राफी के ऊपर। अगर अपर्चर की वैल्यू आपको बताता हूं, F2.0 अपर्चर लाजमी होना चाहिए अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसकी जो नंबर है जितना नीचे को आएंगे नेगेटिव होंगे, जितने नीचे को आएंगे यानी 2.0 के बाद 1.9 होगा, कैमरा लो लाइट परफॉर्मेंस में उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता चला जाएगा। और आपको एफ स्टॉप को भी माइंड में रखना है। तो आज की डेट में अगर आपको अच्छे स्मार्टफोन बाय करना है तो एटलीस्ट प्रेफर करें उसकी बैक साइड के ऊपर आपको डुअल कैमरा सेटअप लाजमी मिले। बाकी आपके बजट पर डिपेंड करता है, डुअल कैमरा फ्रंट पे भी आ रहे हैं, डुअल कैमरा बैक पे भी आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आज की डेट में बैक साइड के ऊपर डुअल कैमरा सेटअप लाजमी होना चाहिए ताकि आपको अच्छी फोटोग्राफी और अच्छी वीडियोग्राफी मिल सके। और दोस्तों तीसरा की पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है एक नया स्मार्टफोन बाय करते वक्त, वो है डिवाइस की परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस तो हर एक की प्रायोरिटी है, हर यूजर यही चाहता है कि यार मेरे स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया किस्म की हो, स्मार्टफोन परफॉर्मेंस में फाड़ के रखते। और ये जो परफॉर्मेंस है ये डिपेंड करती है डिवाइस के अंदर कौन सा CPU और GPU है। मैंने अक्सर यूजर्स को यहां पे गलती करते हुए देखा है कि वो अगर किसी महंगी डिवाइस को भी बाय करते हैं तो उसके अंदर किसी अंडर पावर्ड प्रोसेसर को भी लगाया गया है तो उन्हें वो चीज नहीं देखनी आती या उन्हें पता नहीं चलता, फिर वो कहते यार मैंने इतने पैसे लगा लिए हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की फिर भी देखने को नहीं मिली। तो ये यूजर्स की गलती है, उनको देखना चाहिए कि कौन सी डिवाइस के अंदर प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आजकल हर किसी को होना चाहिए अगर आप परफॉर्मेंस कॉन्शियस है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी चाहिए। तो मैंने आप दोस्तों की आसानी के लिए जो डिफरेंट प्रोसेसर हैं उनको प्राइस रेंज के साथ कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में 20,000 रुपए की प्राइस रेंज के स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं तो ये वाले प्रोसेसर होने चाहिए आपकी डिवाइस के अंदर तो आपको परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगी। अगर 25,000 है, 30,000 रेंज है, 40 है तो ये वाली जो स्मार्ट प्रोसेसर हैं ये होंगे आपके स्मार्टफोन के अंदर तो आपको बेस्ट से बेस्ट जो परफॉर्मेंस है आपके पैसे के हिसाब से आपको एक वैल्यू फॉर मनी किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं और अगर आपने राइट प्राइस के अंदर राइट प्रोसेसर को बाय कर लिया यानी एक राइट स्मार्टफोन को बाय कर लिया जिसके अंदर राइट प्रोसेसर है तो आपको स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो फिर आपकी उम्मीदों के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक बहुत ही बढ़िया सी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दोस्तों चौथा की पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है एक नया स्मार्टफोन बाय करते वक्त वो ये है कि स्मार्टफोन की जो बैटरी बैकअप है वो कितना हो, उसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए ताकि आपके जो बैटरी टाइमिंग है उसको एक सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड कर सके, एटलीस्ट एक दिन का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर सके। अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो सुबह निकलते हैं 100% बैटरी के साथ और दिन में आपको कहीं पर भी डिवाइस को चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता और आप मॉडरेट टू नॉर्मल यूसेज करते हैं और उसके बाद आपने घर आके डिवाइस को चार्ज करना है तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप 3400 से 3500 mAh वाली बैटरी वाला स्मार्टफोन जो है उसे बाय करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं और क्लियर करता चलूं कि बैटरी का जो बैकअप है वो डिपेंड करता है यूजर के यूसेज पैटर्न के ऊपर और साथ साथ जो उसके अंदर चिपसेट यूज की गई है उसके ऊपर। और जो चिपसेट जितनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगी आपको डिवाइस का बैटरी बैकअप उतना ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और यूजर्स जो है अगर दिन में कहीं पे हैवी गेमिंग करते हैं, अगर आप पावर यूजर हैं गेमिंग करते हैं उसके ऊपर या दूसरे जो मीडिया कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या कुछ और करते हैं, हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं तो ऐसे में आपको 4000 mAh की बैटरी एटलीस्ट लाजमी होनी चाहिए ताकि वो आपको एटलीस्ट एक दिन का जो बैटरी बैकअप है वो आराम से प्रोवाइड कर दे, बाकी 1.5 से 2.5 दिन जो है वो भी आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप पावर यूजर हैं तो 4000 mAh की बैटरी, अगेन अगर आप एक नॉर्मल टू मॉडरेट यूसेज के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो 3400 से 3500 mAh की बैटरी एटलीस्ट आपको आजकल के स्मार्टफोन में लाजमी चाहिए ताकि वो आपको एक डिसेंट सा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सके। बाकी रही बात 2500, 2600, 2700 mAh की बैटरीज जो हैं, 3000 mAh की बैटरीज तक, तो वो अब मेरे ख्याल से अब इतनी ज्यादा आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज स्मार्टफोन के अंदर नए नए फीचर हैं, हर बंदा यूज करता है, हर बंदे का यूसेज जो है वो डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं पे ये 3000 mAh तक की बैटरीज हैं वो कहीं ना कहीं पे कम पड़ जाती हैं। तो एटलीस्ट 4000 mAh वाली जो बैटरी है उसको लाजमी बाय करें। बाकी अगर स्मार्टफोन के अंदर फास्ट चार्जिंग वाला फीचर अवेलेबल है तो ये तो एक और प्लस पॉइंट है।
है ताकि आप दिन में कहीं पे टॉप अप भी करते हैं तो डिवाइस बहुत जल्दी से एकदम से थोड़ा बहुत चार्ज हो जाती है, जिससे आपको बैटरी बैकअप में भी थोड़ी बहुत हेल्प देखने को मिल जाती है। अगर आज की डेट में आपको एक अच्छा सा स्मार्टफोन बाय करना है तो उसके अंदर एटलीस्ट 3400 से 3500 एमएएच की बैटरी तो लाजमी होनी चाहिए, बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4000 तक की एमएएच की बैटरी अगर होगी स्मार्टफोन में तो आपको एक डिसेंट सा एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी टाइम देखने को मिलेगा। और दोस्तों पांचवा की पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है एक नया स्मार्टफोन बाय करते वक्त, वो है डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी। अब बिल्ड क्वालिटी हर कोई चाहता है कि यार स्मार्टफोन की प्रीमियम हो, इन हैंड काफी अच्छी सी फीलिंग प्रोवाइड करे। तो आज की डेट में अगर आपको एक स्मार्टफोन बाय करना है अच्छा सा तो आपको एक मेटल यूनिबॉडी डिजाइन वाले स्मार्टफोन को चूज करना चाहिए। बाकी जो है ग्लास और मेटल के कॉम्बिनेशन के साथ भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, उनकी जो बिल्ड है ग्लास और मेटल की फिनिश को भी यूज किया जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी फ्रजाइल है, यानी ग्लास है ना तो ग्लास तो एक नाजुक चीज है, गलती से भी आपके हाथ से स्मार्टफोन गया चाहे वो उल्टा गिरे या सीधा गिरे तो कहीं ना कहीं से तो उसका ग्लास जो है वो ब्रेक होगा। तो ऐसे में आपको प्रोटेक्टिव केस वगैरह यूज करने पड़ते हैं, जो सिलिकन केस है, जो टीपीयू केस है, उनको काम में लेना पड़ता है। और उसके बाद अगर बात करें प्लास्टिक बिल्ड वाले जो स्मार्टफोन है जिनके बैक साइड के ऊपर प्लास्टिक मटेरियल को यूज किया गया है, तो प्लास्टिक एक बहुत ही चीप सी फीलिंग प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर स्क्रैचेस आने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत रहते हैं और टाइम के साथ साथ उसकी जो लुक है वो भी बहुत अजीब सी हो जाती है। तो आज की डेट में अगर आपको एक अच्छा सा स्मार्टफोन बाय करना है तो उसकी प्रीमियम बिल्ड चाहते हैं, अच्छी लुक चाहते हैं, तो एक मेटल यूनिबॉडी डिजाइन वाला स्मार्टफोन बाय करें, चाहे ग्लास और मेटल वाला ही क्यों ना हो, वो आपको एक प्रीमियम सी फीलिंग प्रोवाइड करेगा। प्लास्टिक बिल्ड जिस स्मार्टफोन में भी है उसके तो बिल्कुल भी पास मत जाइए। आज की डेट में अगर अच्छा सा स्मार्टफोन बाय करना है तो मेटल यूनिबॉडी डिजाइन वाला स्मार्टफोन आप बाय करें। तो दोस्तों छठा और आखिरी की पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है एक अच्छी सी डिवाइस बाय करने के लिए 2018 में, वो है वैल्यू फॉर मनी। कि आप कितने पैसों में कोई भी डिवाइस को बाय करते हैं, क्या उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं चाहे वो कैमरा हो, रैम हो, बैटरी हो, डिस्प्ले हो, वो वैल्यू फॉर मनी किस्म की स्पेसिफिकेशन है। आप जिस भी प्राइस रेंज के अंदर स्मार्टफोन बाय करते हैं क्या आपको आपके पैसे की वैल्यू मिलती है, आपकी अदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू जो मिलना, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिसको मैंने इंक्लूड किया है। तो मेकिंग इट मोर सिंपल, मैंने यहां पे अपने ओपिनियन के हिसाब से डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज में जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है कि अगर 20,000 रुपए की प्राइस रेंज है पाकिस्तानी मार्केट्स में तो ये वाले प्रोसेसर्स जो हैं या इतनी में जो एटलीस्ट रैम है या मिनिमम रैम है वो होगी तो वैल्यू फॉर मनी होगी, या दूसरे जो फीचर्स हैं जो जरूरी होंगे वो मैं मेंशन कर दूंगा। इसी तरह 25-30-35-40,000 रुपए की प्राइस रेंज जो है उस हिसाब से मैंने जो प्रोसेसर्स हैं या दूसरी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मैंने कैटेगराइज किया। आप यहां पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं ताकि आप अगर एक स्मार्टफोन बाय करने जाते हैं आज की डेट के अंदर तो आप एक बेस्ट से बेस्ट और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करें 2018 के अंदर। तो दोस्तों ये थे 6 ऐसे की पॉइंट्स जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं अगर आपने एक अच्छी डिवाइस बाय करनी है 2018 में, चाहे आप किसी भी प्राइस रेंज के अंदर डिवाइस को बाय करना चाहते हैं। ये जो 6 की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत जरूरी हैं, आपको लाजमी कंसिडर करनी चाहिए किसी भी डिवाइस को बाय करने से पहले, तो आप एक अच्छी सी और परफेक्ट सी डिवाइस अपने लिए बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा उस बटन पे भी लाजमी क्लिक करें और साथ में नजर वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी अगर वीडियो में कोई खामी है या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का खुद पर्सनली रीड करता हूँ और खुद उसे रिप्लाई करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।